अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था, बीच में कॉल आ गई। तो ये सूरत हाल है, तो उन्होंने ये फैसला जारी किया है आमिर फ़ारूक साहब ने कि जनाब जो फैसले हुए हैं ना वो इमरान खान की गलती नहीं है। तो भाई कबल अज़ गिरफ्तारी में किसी की गलती नहीं होती। मैंने कहा जो भी हो मसला, कबल अज़ गिरफ्तारी में जमानत खारिजी होती है, ये आज तक की यही प्रैक्टिस है। तो इसको जनाब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और ये वहाँ पे उनको रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पे उनको बताया जाएगा कि भाई 9 केसों में इमरान खान की जो जमानत है वो उसका फैसला इसने मुस्तरद किया ना आमिर फ़ारूक साहब ने। ये नूरा कश्ती कुश्ती चल रही है और इसका नोटिस लिया जाए। 9 जज गलत हैं और एक जज ने फैसला कर दिया है 9 के 9 केसों में ये गलत है। जब केस ज़्यादा हो जाए ना वो बंदा क्रिमिनल हार्डन्ड बन जाता है और उसको वो पेशेवर, जिसे आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं आदि मुजरिम बन जाता है। इसलिए उसको वैसे भी कोई रियायत नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो ये सारी अभी जो इमरान्डू जज हैं वो उनका सफाया भी ज़रूरी है। अब ख़त्म हो गया है, 25% रह गया है और अब सबको पता लग जाता है। इसलिए सरकार इसमें लाजमी अपील करे, लाजमी अपील करे और उसमें इनकी सजाएं जो है वो बहाल हो जाएंगी। फिर जो फैसला है ना वो बहाल हो जाएगा लोअर कोर्ट का। ठीक है, लोअर कोर्ट ने तो दीदा दलेरी से फैसले किए हैं, सारे फैसले लोअर कोर्ट ने। बाकी जनाब नवाज शरीफ की आमद आमद जारी है। हम भी इंशाल्लाह काफ़ी सारे बैनर लगाएंगे। आप लोगों ने अगर बैनर लगवाने हैं तो अपने नाम लिख के भेजें, आपके नाम का भी हम बैनर लगाएंगे कि आप नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, हम जस्टिस पार्टी के भी बैनर लगाएंगे, आप भी जो लगवाना चाहते हैं लगाएं। हम पूरे लाहौर की हद तक जो है, लाहौर भी उन्होंने आना है तो और भी जगह बैनर लग सकते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पूरे पाकिस्तान में लगाएं। बल्कि लोग तो जो हमसे अगर कोई लगवाना चाहते हैं हम पूरे बल्क की सूरत में ऑर्डर देंगे, तो आप अपना नाम वगैरह लिख के दे देंगे, हम आपके नाम का भी बैनर लगा देंगे। जी आए अनु, ठीक है, पश्तों में पखैर रागले। तो जनाब राशा राशा वो क्या होता है आप नहीं बताना है सिंधी में। ठीक है, ये सारे उसमें आप बैनर हम इधर लगाएंगे। ठीक, ओके, खुदा हाफिज़।